होप यू ऑल आर डूइंग वेल। रिजल्ट कल डिक्लेयर हो चुका है, बट कल का रिजल्ट काफी बच्चों के लिए था एक खुशी का दिन और कुछ के लिए था एक बहुत ही सैड डे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट 0.25, 0.10, 1 परसेंटाइल या 2 परसेंटाइल से रह गए हैं फॉर दी नेट, ईदर फॉर दी JRF। ऐसी सिचुएशन में मन में आ रहा है क्वेश्चन बार बार कि ऐसे हमने क्या किया था कि क्यों हमारा पेपर क्लियर नहीं हुआ, या हम क्यों रह गए, किधर प्रॉब्लम आया है, हमसे क्या कमी रह गई। हमने बहुत मेहनत, आप लोगों ने बहुत मेहनत करी थी, लेकिन फिर भी क्यों ही रीजन रहा है जिस वजह से पेपर में आपका परसेंटाइल नहीं आ रहा जितना कि चाहिए फॉर क्लियरिंग नेट और फॉर क्लियरिंग द JRF। बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ द डे, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। नो मार्क्स कैन डिफाइन वॉट यू आर एज अ स्टूडेंट एंड वॉट कैलिबर यू हैव। प्लीज स्टूडेंट्स, पहली चीज, अपने मार्क्स को दूसरों के साथ कंपेयर मत कीजिए। सर्टन कैटेगरी डिफरेंसेस भी हैं, और जब तक कट ऑफ नहीं आता हम क्लैरिटी में नहीं बता सकते किस कैटेगरी के लिए कितना कट ऑफ गया है या क्या परसेंटाइल रहा होगा। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि अब हमने करनी है एक नई शुरुआत। नई शुरुआत का मतलब है विद द सेम डेडिकेशन यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर 2022 JRF। क्योंकि देखिए, आपको नहीं पता वो स्टूडेंट्स का फर्स्ट अटेम्प्ट था, सेकेंड या थर्ड। एंड सेकेंड थिंग इज, अगर आपका 2021 के रिजल्ट में रहा है, दैट मीन्स God is indicating you कि your year is 2022. That means अब आप JRF crack कर जाएंगे। तो इस failure को अपने success का foundation stone बना दीजिए, क्योंकि हमेशा याद रखिए, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं आती। Please अपने अंदर वो power back लाइए, दोबारा से gear up हो जाइए, and ये मान लीजिए कि अब की बार आप करके रहेंगे, क्योंकि आप में strength है, आप में caliber है, आप में पूरी की पूरी dedication है। And सबसे अच्छी बात, आपको ये पता है मुझे शुरुआत कहाँ से करनी है। एंड वी एज अ टीम ऑफ बायजूस एग्जाम प्रेप इज ऑलवेज देयर फॉर यू टू हेल्प यू। वी विल क्लियर द JRF इन 2022 विद ऑल द हार्ड वर्क फॉर श्योर। गुड लक स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।